हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बाय एस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा VN वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। देखो, वीडियो एडिटिंग का मतलब है वैसे वैसे नहीं वीडियो एडिटिंग, फुल वीडियो एडिटिंग। जैसे वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, वीडियो को स्लो मोशन फास्ट मोशन कैसे करते हैं, वीडियो का साउंड कैसे बढ़ाते हैं, वीडियो को आवाज़ कैसे कम करते हैं, बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट को कैसे मूव करते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगाते हैं, वो सारी जानकारी जो एक यूट्यूबर को पता होना चाहिए, या फिर वो सारी जानकारी जो एक इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हैं या फिर कहीं पे भी स्टेटस या फिर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई गई है जो आपको जो ज़रूरत है, ठीक है। तो एक खास बात मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो को देखने के लिए आप हेडफोन का ज़रूर से इस्तेमाल करें, क्योंकि हेडफोन लगाने के बाद आपको बढ़िया वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास VN वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है विदाउट लोगो विदाउट वाटरमार्क का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक खास बात बताऊँ, ये सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयर से हटके है, तो इस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें हैं वो किसी और से आपको अटैचमेंट नहीं दिखेगा, और इसमें जिस तरीके से स्मूथ काम करेगा वो सारे फंक्शन जो कंप्यूटर में काम करता है जिस तरीके से, वैसा है इसमें भी फ़ोन में भी काम करता है ये सॉफ्टवेयर। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके फ़ोन में थोड़े से स्पेस कम है तो आप थोड़े बहुत फाइल को डिलीट कर लेना इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। वैसे भी ये पूरा फुल सॉफ्टवेयर 90 MB का है, एक और एक है जो सबसे अपडेटेड है वो 107 MB का है। तो अगर आपका फ़ोन बढ़िया वाला है तो 107 MB ज़रूर से इंस्टॉल करना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे जैसे VN वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, कुछ यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि इस पे टच करोगे तो सिंग इन सिंग आउट का बटन दे रखा है, और यहाँ पे टच करोगे तो कुछ आप इसका स्टेटस वीडियो देख सकते हो, और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। तो एक खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, देखो आपको वीडियो एडिटिंग करना है ना तो सिंग इन सिंग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपको इस वाले प्लस के आइकन पे टच करना है। वैसे तो ये पहले से ऐसा रहेगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे टच कर देना है। जैसे ही प्लस के आइकन पे टच करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर आपको टच कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही टच करोगे तो आपके फ़ोन में जितने सारे वीडियो होगा वो सारे के सारे डिटेक्ट करके यहाँ पर ला के रख देगा। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप फ़ोटो को वीडियो बनाना चाहते हो तो इस तरफ आओगे, और अगर आप वीडियो को ही एडिट करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो सेक्शन है, यहाँ पे आओगे तो फोटो वाला सेक्शन है, और यहाँ पे आओगे तो वीडियो वाला सेक्शन है, ठीक है। अब देखो, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो। अगर आप बहुत सारे वीडियो को एक वीडियो में जोड़ना चाहते हो तो यहीं से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर मान लो आपको एक वीडियो एडिट करना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है, जैसे कि मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो पर मैंने टच किया, जैसे ही टच किया तो यहाँ पर एक लिख के आ गया, मान लो मुझे ये वाला भी वीडियो इसके साथ अटैच करना है यानी जोड़ना है, तो इस पर मैंने टच कर दिया। उसके साथ मैंने इस वीडियो के ऊपर भी किया तो यहाँ पर देखो 3 वीडियो मेरा हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जितने सारे वीडियो को आप एड करना चाहते हो उतने वीडियो को आप एड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तीर मार्क का, यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे आपको टच कर देना है तीन चीन पे, और जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए कुछ टाइम लेगा। तो जैसे ही प्रोसेसिंग फिनिश होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये वीडियो का टाइमलाइन है, जिस तरीके से कंप्यूटर में दिखाया जाता है और जिस तरीके से आप कंप्यूटर में काम करते हो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एक ये वाला जो है हमारा मेन वीडियो का है, उसके बाद वीडियो के ऊपर वीडियो लगाने का, वीडियो के ऊपर स्टिकर लगाने का, और ये वाला जो है वो हमारा वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगाने का, और ये म्यूज़िक लगाने का। तो इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूं। देखो एक चीज़ है, यहां पे आपका वीडियो का साइज़ कुछ और है, पर आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हो, जैसे कि आपने वीडियो हॉरिजेंटल कर लिया पर आपको वर्टिकल करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको ये ओरिजिनल साइज़ है, पर आप अगर इसको रील बनाना चाहते हो, वैसे ये 16:9 का रेशियो है, पर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर टच करोगे तो बहुत सारे आपको रेशियो मिलेगा। आप रेशियो से अगर साधारण भाषा में कहूँ तो रेशियो का मतलब होता है कि फ्रेम, जैसे कि मान लो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हो रील्स के लिए, तो यहाँ पे 4:5 का अगर आप टच कर दे रहे हो तो देखो इसका जो साइज़ है वो कुछ अलग हो जाएगा, है ना, और बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो टिकटॉक तो वैसे बंद ही हो गया, लेकिन उसका सिंबल भी दे रखा है इसने, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से फुल वीडियो फुल मतलब फ़ोन में हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर देखो 16:9 का है, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। अब ये वाला जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो आपने जितने वीडियो यहाँ पे आपने अभी लिया है उतने वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे नीचे जो हमारा टाइमलाइन है वहाँ पे आपको जितने वीडियो आपने लिया है वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी दिख रहा है। देखो कितना वीडियो हमने लिया था, एक ये वाला है और एक ये वाला है और दूसरा वाला जो है वो ये वाला है। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, देखो वीडियो जो है ना वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने वीडियो हैं, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो है, तो जिस वीडियो पे मैं टच कर रहा हूँ उस वीडियो पे चारों तरफ से पीली पट्टी में आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरीके से लाइनिंग में आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और बीच में वैसे भी प्लस का आइकन दिखेगा। अब देखो ट्रांजिशन इफेक्ट, एक वीडियो के ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ इफेक्ट भी अगर आप लगाना चाहते हो, देखो वैसे अगर इसको अभी प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल प्ले हो रहा है, पर आप इस दोनों वीडियो के बीच में कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हो तो प्लस के आइकन पर आप टच करो, और प्लस के आइकन पर जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि ये वाला देखो कुछ इस तरीके से है ना, और इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाना चाहिए, देखो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से अगर ट्रांजिशन इफेक्ट आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से, यहीं से वो सारे इफेक्ट लगता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है जैसे कि ये वाला है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लगाना चाहते हो अपने वीडियो में तो लगा सकते हो, एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो जैसे स्टार्ट होता है तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब ये हमने यहाँ पे ऐसे करके सेट छोड़ दिया, ठीक है। अब मान लो आपने बहुत सारे वीडियो लिया है ना, पर आपका जो वीडियो है वो पीछे चला आया है, यहाँ पे आ गया है और आप इस वीडियो को आगे लेके जाना चाहते हो, यानी शुरू में ही दिखे आपका वीडियो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो पे आपको नॉर्मल टच करना है और जैसे ही टच करोगे टाइमलाइन आपका गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही होता है जो कंप्यूटर में भी होता है, देखो अब इस टाइमलाइन जैसे ही गायब हो गया तो इसको ऐसे पकड़ो और यहाँ पे ले करके आ जाओ। अब ये वीडियो जो है वो आपको आगे आ गया और वो वाला जो वीडियो है वो पीछे चला गया है ना। अब देखो एक चीज़ है, जब लास्ट एंड स्क्रीन होता है ना तो यहाँ पे कुछ लिखने के लिए देता है, पर आपको अगर अपने वीडियो में नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे टच करो और यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अब मैं चलता हूँ मुद्दे की तरफ। देखो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे बहुत सारे टूल दे रखा है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि आप मान लो आपने गलती से इस वीडियो को उल्टा सीधा कर दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो किसी केस में मैंने इसको ऐसे किया और वो वीडियो गायब हो गया, जैसे कि मान लो अगर आप डिलीट करना चाहते हो वीडियो तो नॉर्मल इसको पकड़ के ऐसे कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, पर आपने गलती से कर दिया तो उसको कैसे बैक कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करोगे जो भी आपका वीडियो डिलीट हो गया होगा वो आ जाएगा है ना, यानी अंडू करने का ऑप्शन दे रखा है और रीडू करने का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ से, तो वो दोनों ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो मान लो एग्जांपल के लिए मुझे इसको डिलीट करना है तो नॉर्मल यहाँ पे मैं टच करूँगा और वैसे भी अगर ऐसे भी कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, तो इस तरीके से अपने वीडियो को आप कर सकते हो डिलीट। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, सबसे पहला जो है हमारा वो है फिल्टर। देखो टेम्पलेट के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, टेम्पलेट का मतलब होता है बने बनाया टेम्पलेट है और अपने वीडियो में इसको इंक्लूड करना है, पर उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है अगर आप रील्स नहीं बनाते हो तो, अगर आप रील्स बनाते हो तो जा सकते हो, पर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपके वीडियो मिलेगा उस वीडियो को कस्टमाइज़ करना होगा। अब देखो फिल्टर है पहला जो हमारा फिल्टर, फिल्टर कैसे काम करता है, इसमें बहुत सारे फिल्टर दे रखा है। अब देखो फिल्टर का मतलब है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हो आपका जो है वो टाइमिंग कंज्यूम ना हो, इसके लिए ये पहले से ही सेट करके दे रखा है, जैसे कि आपको कौन से मोड में चाहिए, जैसे कि आप अभी जो बना रहे हो वीडियो वो कौन से जगह पे है, बहुत सारे बंद यानी गर्मी है या फिर कूल है या फिर बर्फ़ है, वैसे वैसे मौसम का ये बना के दे रखा है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो और अपने वीडियो में फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इस चीज़ का अप्लाई आप खुद से भी बना सकते हो एडजस्टमेंट में जा करके, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ दे रखा है, यहाँ पे फिल्टर है और यहाँ पे है एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्स्ट है, ब्राइटनेस है, सेचुरेशन है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ है, शार्पनेस भी है, अगर शार्पनेस करते हो तो देखो वीडियो का जो क्लियरिटी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा है ना, तो इस तरीके से अपने वीडियो में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि मान लो आप बने बनाए लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले ही सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके ऊपर मैं खैर ज़्यादा डिटेल में बात करने वैसे भी बढ़िया टॉपिक है भी नहीं है। अब देखो एक चीज़ है स्पीड, देखो अभी जो ये वीडियो प्ले हो रहा है वो ऑलरेडी स्लो मोशन में है, अब इस वीडियो को मैं फास्ट मोशन करना चाहूँगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे स्पीड पे आओगे ना तो देखो कुछ मज़ेदार चीज़ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप चलाया होगा, आपने अभी तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करा होगा या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपने वीडियो एडिटिंग करा होगा, पर ये वाला जो चीज़ है वो कुछ अलग ही है। देखो ये जो स्लो मोशन और फास्ट मोशन करने का तरीका है, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप टारगेट करके आप स्लो मोशन फास्ट मोशन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मुझे मान लो बीच में स्लो मोशन करना है, नीचे की तरफ कर दोगे तो और भी ज़्यादा स्लो मोशन हो जाएगा, ये देख रहे हो आप,
ये वेव्स आपको दिख रहा है, इसको आपको ऊपर नीचे करना है और फिर आप अपने वीडियो में स्लो मोशन फास्ट मोशन कर सकते हो। अब देखो ये वाला कितना फास्ट मोशन हो गया, ये देख रहे हो। अगर इसको भी मैं ऊपर कर दूँ तो ये देखो, देख रहे हो आप, ये हो गया। इसे कहते हैं स्लो मोशन फास्ट मोशन। और यहाँ से आप पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टारगेट करके कि भाई ये वीडियो जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हमें इस तरीके से करना है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वे में अगर काम करना है तो इसके लिए आपको प्रीसेट पे आपको यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे देखो जंप कट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई जंप लगाता है या फिर फास्ट आउट होता है, बाहर जाता है, तो यहाँ पे देखो कुछ फास्ट आउट होने का देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे बहुत कमाल का है, ये देखो कुछ इस तरीके से है ना। तो ये चीज़ें आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कहाँ से आता है, स्पीड पे जाओगे और यहाँ पे देखो कर्व पे जाओगे और वैसे ही यहाँ पे देखो इस जगह पे है ना। अगर मान लो वैसे ही आप स्लो मोशन फास्ट मोशन करना चाह रहे हो तो भाई यहाँ पे बटन करो और ऐसे करके स्लो मोशन फास्ट मोशन कर दो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है वीडियो के ऊपर, यानी वीडियो को कट करना, वीडियो को बीच से डिलीट करना, वीडियो को आगे की पार्ट डिलीट करना या फिर पीछे की पार्ट डिलीट करना, वो कैसे करोगे। वीडियो को कट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो अगर प्ले करके देखोगे ना वीडियो को, तो यहाँ से आपका वीडियो प्ले होगा, यहाँ पे आप टच करोगे तो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये है प्ले हेड। और प्ले हेड का मतलब है कि आपका जो वीडियो है, अगर आप वीडियो प्ले करते हो तो भाई ये देखो वीडियो जब प्ले कर रहे हो तो ये लाइन के इस तरफ वाला जो पार्ट है वो प्ले हो चुका है और इस तरफ का वाला जो पार्ट है वो प्ले होना बाकी है। तो आपको अगर वीडियो कटपिट करना है तो यहाँ से आपको चेक आउट करना है कहाँ तक आपका वीडियो सही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका यहाँ तक वीडियो है, यहाँ पे देखो टाइम आपको दिखाई देगा जैसे 4 सेकेंड है, तो यहाँ पे आप अगर 4 सेकेंड मान लो 6 सेकेंड तक आपका वीडियो सही है और आगे की वीडियो कट करना चाहते हो तो 6 सेकेंड तक लेके जाओगे, ठीक है। अब देखो 6 सेकेंड तक आप लेके आए हो और उसके बाद यहाँ पे स्प्लाइट कर रहे हो तो यहाँ पे कट लगेगा, ठीक है। ये वाला जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे कट लगेगा, ये वाला प्ले हेड, ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो जहाँ पे रहेगा, ये देखो यहाँ पे मैं कट करूँगा तो यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे कट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी के ऊपर ही ये एडिटिंग होता है। अब मान लो मुझे इस तरफ का पार्ट जो प्ले हो चुका है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मैं स्प्लाइट कर दूँगा और देखो हमारे पास क्या हो गया, 3 पार्ट में वीडियो हो गया। तो ये इधर का पार्ट जो था वो प्ले हो चुका था, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये डिलीट हो गया। अब देखो हमारा वीडियो अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, 2 ऑप्शन दे रखा है इसके लिए, एक तो दे रखा है ट्रिम और एक दे रखा है स्प्लाइट। अगर आप स्प्लाइट करते हो तो वीडियो में यूं ही कट लग जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे मैं अंडू कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको ट्रिम करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 16 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, 16-17 सेकंड की वीडियो है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिम करता हूँ तो देखो ट्रिम करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि मान लो आप यहाँ से आगे की ट्रिम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मैं सीधा राइट क्लिक कर दूंगा और हमारा ये वीडियो ट्रिम हो गया। पर मुझे ऐसे नहीं करना है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो प्रोफेशनल वर्क लगेगा। जितने सेकंड तक आपको चाहिए उतने सेकंड पे जाओ और स्प्लाइट के बटन पे टच कर दो, कट लग जाएगा। फिर से आपको स्प्लाइट के बटन पे जाना है, कट लग जाएगा। मान लो मुझे आपको आगे की पार्ट नहीं चाहिए तो आगे की पार्ट पे टच करो और वैसे डिलीट कर दो, या फिर आपको पीछे की पार्ट नहीं चाहिए तो पीछे की पार्ट पे जाओ और डिलीट कर दो, है ना। अगर आपको मान लो बीच वाला पार्ट डिलीट करना है तो बीच पे टच करो और डिलीट कर दो, है ना। अब देखो यही चीज़ अप्लाई होगा स्लो मोशन और फास्ट मोशन में। ये कैसे होगा, देखो मान लो आपको वीडियो के बीच में आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन चाहिए तो वीडियो के बीच में तो आप यहाँ से तो कर ही सकते हो बीच में ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत सारे वीडियो हैं और उस वीडियो में बीच में चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्प्लाइट के बटन पर टच करना है और फिर से स्प्लाइट के बटन पर टच करना है और यहाँ पे देखो आपका आ गया है और यहाँ पे आपको स्पीड पे जाना है और यहाँ से इसको जो भी करना चाह रहे हो कर सकते हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आप अपने वीडियो में स्प्लाइट ट्रिम कर सकते हो। अब FX, देखो ये चीज़ बहुत कमाल का है और इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा जो इफ़ेक्ट लगाया होता है कुछ इस तरीके से, देखो ये कुछ इस तरीके से है ना, वो सारे इफेक्ट यहीं से लगता है और यहाँ से आप लगा सकते हो वो सारे इफेक्ट। डिपेंड करता है आप अपने वीडियो में कितने सेकंड तक लगाना चाहते हो। देखो यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, जितने सेकंड तक आप लगाना चाहते हो उतने सेकंड तक आप यहाँ पे सेट कर दो और देखते रहो कितने मज़ेदार लगेगा, है ना। बहुत सारे इफेक्ट है, आप यहाँ से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे मज़ेदार तो आपको ये वाला लगेगा,
जो आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करोगे। तो ये देखो कुछ इस तरीके से। अब अगर आप ये वाला अगर लगाते हो तो देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करना है, आपको टाइमिंग सेट कर देना है कितने सेकंड तक वो इफ़ेक्ट आप लगाना चाहते हो। ये देखो है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से इफ़ेक्ट लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट है, देखो आपने बहुत सारे रील्स वीडियो में देखा होगा, तो यहीं से वो वाला इफ़ेक्ट लगता है। और इफ़ेक्ट जो लगेगा तो यहाँ पर आपको सिंबल इस वीडियो में दिखाई देगा, देखो है ना। तो इस तरीके से आप इफेक्ट पे आओगे और वहाँ से लगा सकते हो। अभी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, अगर वीडियो को क्रॉप करना चाहते हो, मान लो आपको जितने दूर तक आपकी वीडियो है उतने दूर तक आपको नहीं चाहिए, मान लो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि मुझे मान लो ये लड़की का सिर्फ फेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने जैसे कि पावर डायरेक्टर में करते हैं वैसे ही इसमें भी किया जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल क्या करना है, ऐसे राइट टिक कर देना और यहाँ से क्रॉप हो चुका है, बाकी का पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ जहाँ पे हमने क्रॉप करा है वही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। इसी तरीके से मिरर इफेक्ट है, मिरर इफेक्ट पे आप जैसे ही टच करोगे तो उसका सेम अपोजिट हो जाएगा। फ्लिप है, फ्लिप भी करोगे तो सेम वही चीज़ है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्रिज है, अब देखो फ्रिज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रील्स वीडियो में। अब ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रिज पे जैसे ही टच करोगे ना तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे टाइम लेगा। अब देखो टाइम लेगा तो अब यहाँ पे आपका एक फ़ोटो जो है वो क्लिक कर देगा। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे फ्रिज हो गया ये फ़ोटो, और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। तो फ्रिज का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने वीडियो में, जब आप सैड मोमेंट हो या फिर हैप्पी हो या फिर कुछ ऐसे सरप्राइज हो, तो वहाँ पर आप फ्रिज कर सकते हो उस पोज को जिस पोज में आपको अच्छा लगता है। वैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया बस। अब यहाँ पे एक और चीज़ है रिवर्स। देखो रिवर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे हॉलीवुड फिल्म में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और रिवर्स कैसे काम करता है, अभी आपको मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। रिवर्स का मतलब है, आप देखो मैं अगर इसको रिवर्स मार दूंगा, ये पूरी वीडियो को अगर हमने रिवर्स करा तो जिस तरीके से ये आगे आ रही थी उसी तरीके से ये पीछे जाएगी। देखो इस वीडियो में जिस तरीके से ये जो मॉडर्न है वो पीछे जाएगी, जिस तरीके से हमने आगे इसको प्ले कर रहा था वैसे इसका सेम उल्टा हो जाता है। अगर आप पानी में कूद रहे हो, छलांग लगा रहे हो और उसका अगर रिवर्स बना दे रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी से जंप करके ऊपर आया है। देखो अब अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो ये देखो पीछे की तरफ जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत कमाल का चीज़ है, वैसे इसका भी इस्तेमाल रील्स वीडियो में ज़्यादा किया जाता है। अब वैसे भी है जूम का, देखो जूम इन जूम आउट करना ये बहुत आम बात है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर जूम आउट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से, जूम इन करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे कि वीडियो प्ले भी होता रहेगा और जूम इन जूम आउट भी होता रहेगा, तो ये फंक्शन जो दे रखा है वो बहुत कमाल का है, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत होता है। हर जगह पे नहीं लेकिन कभी कभी हम जब वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि जब रील्स वीडियो बनाते हैं और एक ही जगह पर कैमरा फिक्स रहेगा तो वहाँ पर कुछ बोर्डिंग लगेगा, पर ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक मूवमेंट करता रहे, जूम इन जूम आउट होता रहे बैकग्राउंड, और आप भी जूम इन जूम आउट होते रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से देखो एडिटिंग का कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो हमें उस पर नोट करना चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, तभी तो आप प्रोफेशनल वर्क कर पाओगे भाई। अब यहां पे देखो जूम के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं, या फॉरवर्ड है इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल चीज़ें। अब मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगाते हैं, स्टिकर कैसे लगाते हैं, वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और किसी भी लेटर को लिखने के बाद उसको इस तरफ या फिर उस तरफ कैसे मूवमेंट दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप वीडियो में टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप टेक्स्ट पर टच करोगे। देखो यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रखा है, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में है म्यूज़िक का। अगर आप वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हो ना तो यहाँ पे ऊपर टच करोगे तो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हो या फिर अपने वीडियो में इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो, वीडियो साउंड इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी को कोई थप्पड़ मारता है या फिर ज़ोर ज़ोर से कोई हंसता है तो वो ओरिजिनल का एक्चुअल साउंड नहीं होता है, उसका एक साउंड इफेक्ट होता है जो बहुत पहले कोई रिकॉर्ड करके रखा होता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ये सारे काम करती है, या फिर फिल्मों में जो किया जाता है वहाँ से भी कट आउट करते हैं। तो यहाँ से आप चाहो तो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो और म्यूज़िक लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रहे हो तो कैसे लगाओगे, अगर आपकी आवाज़ भी चाहिए वीडियो में और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक है वो भी चाहिए तो वो कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे मैं चूज़ पे मैं टच करूँगा तो यहाँ पे देखो जितने सेकंड तक आपको चाहिए उतने सेकंड तक आप इसको ले सकते हो। अगर आपकी वीडियो 10 सेकंड की है और आपने म्यूज़िक लिया है 5 मिनट वाली,
तो वो जो म्यूज़िक है वो आपको सिर्फ 5 सेकंड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे वेव दिख रहा होगा, कहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है वो चीज़ें, है ना। देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस तरफ बिल्कुल भी साउंड नहीं ज़्यादा, और यहाँ से आगे तक साउंड है। तो यहाँ से आप वेव में भी देख सकते हो कि इस तरीके से ग्राफ आपको दिख रहा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, नॉर्मल अगर वीडियो को साउंड कम करना चाहते हो यानी बैकग्राउंड साउंड यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से इसको कम करके जितने परसेंट आपको चाहिए उतने परसेंट पर सेलेक्ट कर दो, और बस आप एक बार सुन सुन के भी चेक कर सकते हो। वैसे मैं दो दो माइक यूज़ कर रहा हूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक बार ज़रूर से इस्तेमाल करना। अगर आप अपने वीडियो में फेड इन फेड आउट का इस्तेमाल करते हो तो पता है इससे क्या होता है, जैसे कि 1 सेकंड तक यहाँ पे जितने सेकंड तक आप लगाओगे उतने सेकंड तक आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे मान लो आपने वीडियो बनाया और वीडियो में जो आवाज़ दे रहे हो या फिर आवाज़ जो आ रही है वो धीरे धीरे आएगी और फिर तेज़ हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से फेड आउट है, फेड आउट का मतलब है धीरे धीरे बोलेगा, मतलब बोलता रहेगा इक्वल, ठीक है। और जैसे ही खत्म होने वाला रहेगा वीडियो, 1 सेकंड रह जाएगा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फेड इन फेड आउट काम करता है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब देखो इसको नॉर्मल ऐसे कर दोगे आपका जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे ऊपर में टाइमलाइन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टेक्स्ट का। देखो टेक्स्ट पे जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है टेक्स्ट और दूसरा है सबटाइटल टेम्पलेट। अगर सबटाइटल टेम्पलेट पे टच करते हो तो इसमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट आपको मिलेगा, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके का है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के ये वाला अगर मैं इसको लूँगा तो देखो इस पर तो एडिट तो आप कर ही सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप आकर के आप एडिट कर सकते हो, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो इस तरीके से टेम्पलेट पहले से बने बनाए आपको मिल जाएगा, अब नॉर्मल आपको उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला मैं रख दूंगा, और यहाँ पे हॉलीडे बैलेंस लिखा है तो यहाँ पे आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए नॉर्मल इस पर टच करो और यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सतीश भाई लिखूंगा तो यहाँ पे सतीश कुमार भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये टेम्पलेट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो अगर मैं वीडियो अगर प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये देखो, है ना। पर इसका जो टाइमिंग है मात्र थोड़ी दूर के लिए, तो आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हो, फुल वीडियो करना चाहते हो, तो यहाँ से ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। अब अगर वीडियो प्ले करोगे तो ये देखो ये इस तरीके से घूमता रहेगा और ये वाला जो आपका नाम है कुछ लिख के आता रहेगा। तो इस तरीके से अपने वीडियो में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक खास बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने वीडियो में कुछ यानी टेक्स्ट लिख करके और चारों तरफ उसको मूवमेंट करवाना चाहते हो तो कैसे करोगे। नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है इसके लिए आपको टेक्स्ट वाले बटन पर जाना है। टेक्स्ट वाले बटन पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आपको टच कर देना और जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सतीश, ठीक है, और कुमार लिख दिया। अब सतीश कुमार लिखने के बाद में मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पे कलर दे रखा है, कलर पे मैं टच करूँगा, जो भी कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से फॉन्ट भी दे रखा है, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे रेड चाहिए तो रेड पर मैं टच कर दूँगा, और यहाँ पर टेक्स्ट साइज दे रखा है ना, जो भी आपको इसमें फ्रेम चाहिए वो लगा सकते हो। और यहाँ पर इसका पोजिशन दे रखा है, बीच में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, कहाँ पर रखना चाहते हो। अब देखो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसका जो टाइमिंग है वीडियो के हिसाब से जितने दूर तक आपकी वीडियो वहाँ तक पकड़ के खींच के कर दिया। वैसे अगर आप टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे तो 1-2 सेकंड तक रहेगा या फिर 5-6 सेकंड तक रहेगा। अगर आपको पूरे वीडियो में दिखाना है तो इसको ऐसे ऐसे करके और खींच के लेके आना होगा। अब एक खास बात देखो, इस टेक्स्ट को अगर अभी आप वीडियो प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो एक जगह पे ही स्थिर है। पर मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है वो चारों तरफ घूमता रहे, मूवमेंट करे, तो कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल अपने यानी टेक्स्ट पे ये वाला सेक्शन पे आपको टच करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको की फ्रेम का, है ना। ये देखो की फ्रेम पे आप टच करना है आपको, और की फ्रेम पे टच करने के बाद में मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक अगर हमारी वीडियो प्ले हो जाए तो ये वाला जो नाम है वो यहाँ पे आ जाए, तो अब क्या होगा, ये वाला नाम वहाँ आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ तक वीडियो अगर प्ले हो जाए तो ये यहाँ आ जाए, और यहाँ तक अगर वीडियो प्ले हो जाए तो ये फिर से ऊपर चला जाए। तो अब अगर वीडियो आप प्ले करोगे ना तो आपके सामने कुछ अमेजिंग दिखेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये एक एनिमेशन है और आपकी फ्रेम की मदद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सेम चीज़ होगा वीडियो में भी और ऑडियो में भी, यानी फ़ोटो में भी, ठीक है। अब मान लो आपने ये तो आपने लगा लिया, ठीक है, अब आप इस वीडियो के ऊपर वीडियो लगाना चाहते हो या फिर फ़ोटो लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टच करना है, यहाँ पर
यहाँ पे जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे देखो वीडियो है और स्टिकर है। स्टिकर में कुछ स्टिकर यहाँ पे आपको मिलेगा और कुछ स्टिकर अगर आपके फ़ोन में है तो यहाँ प्लस के आइकन पे टच करोगे ला सकते हो। पर आपको अगर अपने फ़ोन में जो भी चीज़ है वो लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो वीडियो के ऊपर तो यहाँ पर आओ और देखो वीडियो बहुत सारे आपके फ़ोन में वीडियो होगा वो आप ले आओ। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे किसी भी वीडियो का तो आपके पास बैकग्राउंड में कुछ एक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आपके फ़ोन में या फिर आपके वीडियो में कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए। देखो मैं इस पर टच करूँगा, इससे आपको दो फ़ायदा होगा, एक तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं और दूसरा फ़ायदा सब्सक्राइबर बटन कैसे लगाते हैं। किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने की बटन कैसे लगाते हैं वो भी आप सीख जाओगे और बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं वो भी सीख जाओगे। अब देखो हमने वीडियो के ऊपर वीडियो लाया, अब पहले क्या था हमारा वीडियो ही है, यानी पहले फर्स्ट लेयर पे और सेकंड लेयर पे भी वीडियो है, पर मैं चाहता हूँ इस वीडियो का जो भी यानी बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाए, जैसे ये ग्रीन कलर का है वो डिलीट हो जाए। तो उसको डिलीट करने के लिए इस तरफ आओगे, देखो यहाँ पे अपने वीडियो पे टच करना है, जो वीडियो अभी आपने लिया है इस वाले लेयर पे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइमलाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी आपने वीडियो लिया उस पे टच करना है और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का। क्रोमा पे जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे एक बार आपको सिंपल टच कर देना है और इस वाले सीन को, जैसे कि ये वाला जो प्लस पॉइंट है प्लस बीच में आपको दिख रहा है, वहाँ पे लेके आना है और किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जो बैकग्राउंड है आपको उसको डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर लाके सिर्फ छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दोगे तो वो जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे सेंसिटिव को यहाँ पे कर सकते हो और इस तरीके से आपको आगे पीछे करके सेट कर देना है। अब इसको जहाँ भी सेट करना चाहोगे आप कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे करना है तो यहाँ पे मैं कर दिया। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये तो हो गया नॉर्मल हमारा वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है और ये सारी चीज़ें, पर मुझे अगर और भी वीडियो लेना है वीडियो के ऊपर तो कैसे होगा, आप तो हमारे पास लेयर भी नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मल क्या करना है, फिर से आपको प्लस के आइकन पे टच करना है, वीडियो पे टच कर देना है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास वीडियो के ऊपर वीडियो लगाना है जितने सारे वीडियो लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, सिंपल आपको दो दो बार तीन तीन बार उस पर टच करना है। अब हमारे पास ये वाला वीडियो आ गया, अब मान लो मैं इस वीडियो को यहाँ से यहाँ कर लेके जाना चाहता हूँ, फिर यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, तो इस वीडियो पे मैं टच करूँगा और वही घिसी पिटी बातें, आपको क्या करना है उस वीडियो पे टच करना है ये देखो, और आपको क्या करना है यहाँ पे शुरू में लेके जाना है यानी ओपनिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे की फ्रेम पे आपको टच कर देना है। की फ्रेम पे एक बार टच करने के बाद में जितने दूर तक आप प्ले करके लेके जाओ और उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, फिर थोड़ी देर प्ले कर लो और उसके बाद यहाँ पे लेके आ जाओ, फिर थोड़ी दूर प्ले करो और फिर यहाँ पे लेके आ जाओ। अब अगर वीडियो प्ले करोगे तो देखो कुछ कमाल का रोचक चीज़ आपको दिखाई देगा, ये भी वीडियो है और पीछे भी वीडियो है और वीडियो भी प्ले हो रही है और मूव भी हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के ऊपर वीडियो लगा सकते हो और जिस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं तो ये इसी सब का इस्तेमाल करता है, पर वो किसी को बताता ही नहीं है। अब वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे हैं और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, पर इसको सेव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले चीज़ है सेव करना। अगर आप एक्सपोर्ट पे टच करते हो तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जितने क्वालिटी का आपका वीडियो चाहिए उस क्वालिटी को आपको सेट करना है। जैसे कि मान लो अगर आपको 720 पिक्सल में चाहिए, अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो 1080 पिक्सल ही रखना आप, और यहाँ पे जो FPS है यानी फ्रेम पर सेकेंड है वो 30 रखना, कम मत करना वीडियो की क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। और यहाँ पे जो बिटरेट है वो डिफ़ॉल्ट रहने देना और यहाँ पे आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे आपका जो वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही देर में आपका वीडियो सेव होकर के आपके फोन में पहुंच जाएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।